नितिन राव साहब का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा युवा कांग्रेस के हमारे जिले के प्रभारी श्रीनिवास। ऐतिहासिक मोर्चा यहाँ पर निकाला है। मैं मंच में बैठे हुए कुंदा ताई को, कुणाल जी को, तारा जी को, हमारे सभी यूथ कांग्रेस के साथियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक आज ऐतिहासिक मोर्चा निकाला है, एक हल्ला बोल किया है, एक इतना ऐतिहासिक मोर्चा निकाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मोर्चे की खबर पार्लियामेंट तक जाएगी, राहुल जी तक जाएगी और पीएमओ तक जाएगी। और आपने जो आज, चाहे वो राफेल खरीदी की गड़बड़ हो, चाहे वो जो भी गड़बड़ इन्होंने किया है, उसके विरोध में जो आपने आवाज उठाई है, इसे सभी यूथ कांग्रेस के साथियों अपेक्षा अपन पूर्ण करा असा तुम अपने विश्वास करतो। पर नागपूर परिसर नागपूर जिला के यूथ कांग्रेस हे महाराष्ट्रातील एक नंबरची युथ कांग्रेस असली पाहिजे, यासाठी आपण सगळ्यांनी पूर्ण जेणे ताकद लावा अशा प्रकारची आपला विनंती करतो, आपले सगळ्यांचे आशीर्वाद मागतो आणि माननीय अध्यक्षाला विनंती करतो की मला जरा दुसऱ्या एका कार्यक्रमात जायचं, ती आपण मला अनुमती द्यावी विनंती करतो। पण एक लक्षात द्यायचं, संघटना आहे तर तुम्ही आम्ही त्या ठिकाणी आहे, आणि संघटना नाही तर सत्ता काय कामाची नाही। लक्षात ठेवा, सत्ता आज उद्या जाते त्या ठिकाणी, सत्तेमध्ये सगळेजण माझी होऊ शकतात पण संघटनेमध्ये कोणीच माझी होत नाही, लक्षात ठेवा ठिकाणी। मग संघटनेला जास्त महत्व दिलं पाहिजे, यावेळी एवढं अजून उल्लेख करतो आणि आपल्या शब्दाला विराम देतो। जय हिंद महाराष्ट्र। सुनील बाबू आगे बढ़ाओ। यानंतर एसक्यू हमारे इंटक के नेता आदरणीय एसक्यू जमा साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। साथियों, अभी हमारे नेता सुनील केदार जी के भाषण सुनने के बाद आपको कोई मैं टैक्स करने वाला नहीं हूं। मैं भी आपके जैसा युवा कांग्रेस से ही निकल के आया हूं। मैं 1982 से 85-86 तक ग्रामीण यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, जब विलास पुत्र जी अध्यक्ष थे। तो आप जो अभी मार्गदर्शन मिला है महंगाई के विरोध में, सरकार के विरोध में, मैं एक ही बात अपने युवक साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले तक ऐसा लग रहा